आपको बराए रास्त ले चलते हैं सिंध असेंबली के बाहर, जहां पर ऑपोजिशन लीडर शहरयार महर तरक्की की सूरत हाल के हवाले से न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने यही तो तजवीज कल असेंबली में, परसों असेंबली में 4 घंटे किस चीज पे बहस हुई है, वो इसी चीज पे बहस हुई है कि आप कमेटी बनाए, हमें वहां भेजें, हम वहां जाएं और हम वहां जाके लोगों के मसाइल हल करें। तो वो तो गवर्नमेंट ने बात सुनी नहीं। एंड ऑफ द डे आपने एक चीज रियलाइज करनी है कि मेरे कहने पे, अपोजिशन के कहने पे कोई ऑफिसर, कोई डीसी, कोई फूड इंस्पेक्टर कोई रिएक्ट नहीं करेगा जब तक उसको हुकूमती नुमाइंदे नहीं कहेंगे या मुझे हुकूमत की तरफ से एंटाइटलमेंट नहीं होगी। ये बताइए कि वहां पे इजलास की कोई तुक नहीं बनती। वहां पे मैंने जो तजवीज दी कि 4-4 MPAs एक एक यूनियन काउंसिल में हमारी ड्यूटीज लगाई जाती है, हम वहां जाते, बैठते, वहां रहते, वहां मसले हल करते, इजलास को खत्म किया जाता, लेकिन कैबिनेट मीटिंग से क्या होगा? वजीर आला पर आप भी अदम एतमाद कर रहे हैं, एमकेएम भी कर रही है, तो क्या लायमल करके अदम एतमाद क्यों नहीं लेके आते असेंबली में? देखिए, इस पे हमारी एमकेएम से मशावरत नहीं हुई, लेकिन हमारी, मैं समझता हूँ, अभी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि फिगर्स तो क्लियर हैं, कोई ढके छुपे तो है नहीं, या हमारे पास रात को कोई मेंबर तो उठ के आ नहीं जाने, तो वो चीजें सारी सामने है। हम अगर ये पोजीशन समझेंगे तो हम जरूर इस पे बात करेंगे।